ये ताजा तोड़ के लाए हैं अभी, वो देख रहे कितना हरा भरा है, एकदम गुच्छा गुच्छा ही दिख रहा है। चलिए सेठ है हमारे, देखिए खेती का सेठ, कितना बड़ा खेती है और कितना बड़ा प्याज का खेती है। देखे ना तो टायर पंचर है, 40 पॉइंट हवा है, बोलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 8:30 बजा है। मैं रात को दोस्तों भर के निकल गया था, 11:30 बजे रात को, और यहाँ पहुँचा हूँ मैं निफार के पहले। ये माल संभाजी नगर में बजाज में खाली होएगा, तो यहीं पे मैं आके अभी टायर ठंडा कर रहा था। ये देखिए मैंने बाजड़ी का इधर खेती हुआ है, मैं देख रहा था ये बाजड़ी है ना दोस्तों, ये देखिए ये जो बाजड़ी है ना, ये बहुत, ये देखिए बाजड़ी का खेती हुआ है बहुत मस्त। गाड़ी रोड पे खड़ा किया हूँ, इधर सब ये देखिए यहाँ पे भी अंगूर बेचते हैं, उधर भी अंगूर बेचते हैं। ये देखते हैं अंगूर के दुकान पे कैसा है। ये अंगूर मनक्का काला अंगूर है, ये क्या भाव दिए हैं विक्रम भाई? ये 70 रुपया। 70 रुपया, और वो अपना व्हाइट वाला वो नहीं लाए अभी, लाए क्या? ये देखिए दोस्तों अभी ताज़ा तोड़ के लाए हैं अंगूर, देख रहे हैं कितना हरा भरा है, एकदम गुच्छा गुच्छा ही दिख रहा है। देखिए बहुत ताज़ा तोड़ के लाए हैं, अब यहाँ से दुकान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अंगूर का खेती होता है, इसलिए ताज़ा माल मिलता है ना, मस्त दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो हमारे नागपुर के एक मित्र मिले हैं चंदबान भाई। ये देखिए आए तो गाड़ी क्या भरे हैं चंदबान भाई? गट्टू। ये देखिए गट्टू भरे हैं, गट्टू। अब देखें कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर से आ रहा हूँ। नागपुर से आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए नागपुर से आ रहे हैं हमारे मित्र हैं। तो अभी देखें तो गाड़ी, अपना गाड़ी देखें कि इधर खड़ी है, तो वहाँ रुक गए। और देखिए मैंने ये किलो ले लिया। विक्रम भाई क्या भाव दिए? 60 रुपये दिए। 60 रुपये दिए दोस्तों, ये देखिए और एक नंबर का है। और अभी हमारे चंद्रभान भाई हैं नागपुर से भर के आ रहे हैं, उसमें कब मिलेंगे आप? देखिए रोड पे चलते रहेंगे, ठीक है तो जरूर मिलेंगे। अच्छा, हमारे दोस्त भाई, अब मैं भी चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ गाड़ी। तो दोस्तों मैं अंगूर लेके निकल गया हूँ, और एक टायर में हवा कम है काला में, वही देखता हूँ आगे चल के टायर और उसके पास हवा भरवा लेता हूँ, क्या मालूम गाड़ी पंचर है ऐसा लग रहा है मुझे, तो हवा कम हो गया है। ठीक है चलते हैं। बिंचूर में पहुंचा हूं, और ये देखिए अभी गाड़ी लगाया मैं, एक टायर में हवा कम है, तो अभी ये भाई साहब अभी दुकान खोल रहे हैं, अभी हवा भरवाते हैं। क्या है गर्मी में गर्म होके हवा कम हो जाता है, नहीं तो बारीक पंचर रहता है ना छोटा सा, वो धीरे धीरे निकल जाता है ना, तो वाल भी ढीला रहता है तो भी हो जाता है। तो अभी हवा मतलब 3-4 दिन पहले भरवाया था तो बराबर था, अब देखिए 2-3 दिन में धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हवा भरवाते हैं। तो टायर पंचर है, 40 पॉइंट हवा है, उसमें खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों टायर पंचर है, मैं खुलवा दिया हूँ, ये देखिए उसमें चिमटी लग के पंचर हुआ है, तो अभी खुलवा दिया हूँ, पंचर बना रहा हूँ। टाइम कितना बजा रहा बाबू? 10 बजे। तो दोस्तों अभी 10 बज गया है, अभी देखिए खुलवाया हूँ और काम पंचर बना के यहाँ से निकलूंगा, खाली भी करना है, देखते हैं मैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ। तो दोस्तों फाइनली टायर बन गया है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये देखिए अब चलता हूँ, अब पहुँचेंगे तो गाड़ी खाली हो जाएगी। अभी 11 बज रहा है, चलते हैं, स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कितने बजे तक पहुँच रहा हूँ मैं।
क्योंकि बहुत धूप हो गया और टायर भी गर्म होने लगा, और टायर पंचर नहीं हुआ रहता तो अभी तक मैं पहुँचा रहता। चलिए देखते हैं दोस्तों। अभी अवला से 10 मिनट पहले खड़ा हूँ और टायर गर्म हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे रोक दिया हूँ। ये देखिए बीच रोड से ही यहाँ प्याज की खेती है, चलता हूँ 1 किलो प्याज मांग के लाता हूँ चिकन मटन बनाने के लिए, तब तक टायर भी ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये देखिए कांदे के खेत में आया हूँ, कैसे सब निकाल रहे हैं देखिए, तैयारी हो रहा है। अब ये देखिए एक ट्रक भर के जा रहे हैं अभी सूखे, कितना एक नंबर का है कांदा ये देखिए। अभी इसको लेके जाते हैं 1 किलो बनाएंगे बढ़िया। ये देखिए कैसे सब काट रहे, सब खुदाई चालू है ना, सब पहले खोन के रख दिए ना उधर। ये देखिए कैसा अभी ये सब उखाड़ के रखे थे, बाद में ये काट रहे हैं देखिए कितना बड़ा बड़ा है, कितना बड़ा बड़ा। यहाँ का मिट्टी बहुत उपजाऊ है नासिक का। ये देखिए हमारे लिए हमारे सेठ ये दिए इतना कांदा, ये देखिए एक झोला दिए, और ये देखिए अभी लेके जा रहे हैं मंडी में। मंडी में जा रहे हैं ना बाबू? हाँ ठीक है, 14-15 रुपया किलो बिकेगा अभी ताजा हरा में। ये देखिए लेके जा रहे हैं, अभी दूसरा ट्रैक्टर इधर लोड चालू है, एक ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं और एक दूसरा ट्रैक्टर इधर लोड चालू है। अब इधर का निकालना बाकी है देखिए, अभी आधा अभी 1 एकड़ इधर तो बाकी है। ये देखिए जब ये सब तैयार हो गया, बहुत बड़ा बड़ा बैठा है, इतना बड़ा बड़ा बैठा है ये कांदे का साइज देखिए ना कितना बड़ा बड़ा है। अभी ये सीजन आ गया ना, अभी इसको निकाल के दूसरा कुछ लगाएंगे इसके ऊपर। ओ देखिए अपना ट्रक खड़ा हुआ है, अब गाड़ी का ट्रक का टायर भी ठंडा हो गया होगा, अब धीरे धीरे मैं निकलता हूँ यहाँ से, संभाजी नगर है कि नहीं, चलूँ मैं ना। चलिए सेठ हैं हमारे, देखिए खेती का सेठ, कितना बड़ा खेती है और कितना बड़ा प्याज का खेती है देखे ना। ठीक दोस्तों ये देखिए इतना बड़ा सेठ लेके दिए प्याज, वो देखिए ट्रैक्टर जा रहा, ये गाड़ी के पास आ गया हूँ। ये देखिए हाँ ये ओला में पूरा ट्रैफिक लगा दिया है। तो 12:40 हो गया है, ये देखिए गोरखनाथ लसवंती गिरी इधर रुका हूँ मैं, और होटल भी है और आगे इधर टोल नाका है, आगे टोल नाका उससे पहले ही मैं रुका हूँ। टायर गर्म हो गया है, ये गाड़ी इनका देखिएगा, एक भी गाड़ी वाला ठंडा कर रहा है, टायर गर्म हो गया है तो दम आग मार रहा है दोस्तों। ठीक है तो चलते हैं लसवंती, 2 गिलास गन्ना के जूस पीते हैं। ये देखिए काका 2 गिलास एकदम झूला उला देखिए मस्त, यहाँ पे झूला भी है, एक उधर भी झूला है, देखिए झूले पे बैठ गए हैं, गर्मी में झूला झूलने का मजा ही कुछ अलग है, एक उधर ही बांध के रखे हैं। कहाँ के बारे हो उस्ताद, कहाँ के भरे? सिलोड का, क्या भरे? आधा है। टायर गर्म हो गया है ना, टायर गर्म हो गया ना, मेरा भी टायर पूरा फुल गर्म हो गया है।
बहुत अच्छा है, यहाँ पे नीम का पेड़ है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। देखिए ये देखिए पूरा दम मस्त ठंडा बना के लाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ संभाजी नगर के लिए। चलिए गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आगे टोल है, टोल भी भरना पड़ेगा। चलिए काका। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. ढाई बज गया, खाना खाने का भी टाइम हो गया है और अभी हम गंगापुर से पहले ही है। देखता हूँ कहीं धावड़ा मिल जाएगा तो बढ़िया खा लेता हूँ। जब टायर से ज़्यादा गर्म हो रहा था, मैं टाइम से पहुँच नहीं पाया और रात को जगे थे तो नींद भी आ रही थी। जबकि जब मैंने एक पेट्रोल पंप पे लगाया तो सुस्ती आ रही थी, गाड़ी लगा के आप एक घंटा सोया मैं हॉस्पिटल पहुँचा, इससे ज़्यादा टाइम हो गया। और रात को जगने के बाद में दिन में भी तो बहुत जबरदस्त नींद लगता है, इसलिए गाड़ी से ऊपर हो रहा है। खाना खाया नहीं, देखता हूँ कहीं अच्छा ढाबा मिलता तो खाना खा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं गंगापुर पहुँचने वाला हूँ, टाइम से पहुंच जाएंगे तो खाली भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहीं कंटिन्यू गाड़ी नहीं चलाया क्योंकि टायर गर्म हो रहा था ना। चलिए ठीक है, देखता हूँ, ये होटल पे लगाता हूँ, खाना खाता हूँ यहीं पे, फिर खाना वाना खा के निकलूँगा। देखता हूँ क्या है, ये क्या गाड़ी है। इधर एक होटल है, अमर होटल, इधर लगाता अमर होटल, इधर ही मैं लगाया हूँ। इधर चलता हूँ खाना खाने, देखता हूँ क्या मिलता है। ठीक है, दो रोटी खा लेंगे। तो मैंने होटल में आ गया हूँ और सेव भाजी का ऑर्डर दिया हूँ, देखिए भी आता है खाना खाते हैं। बहुत टाइम हो गया, अभी वैसे भी घा घा करके जाएंगे तो खाली होएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर चार पाँच गाड़ियाँ बहुत आती है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सेव भाजी आ गया है, अब हम खाना खाते हैं। अच्छा है खाना, अच्छा है टेस्ट है। दोस्तों खाना तो खा के निकल चुका हूँ, चलते हैं देखते हैं, खाली हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो बारात तो मर्यादे रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी पेपर दिया अंदर में खाली करने के लिए, लेकिन बोला कि CCOE हमारा पेपर में कुछ लफड़ा है, वो तूने लाया नहीं है, इसलिए आज गाड़ी तुम्हारा होल्ड होएगी, आज भी नहीं खाली होएगा, कल भी नहीं होएगा, बोल नहीं सकते, अनिश्चित काल बोल दिए। जब तो बोलता है कि उसका सिलेंडर का जो पेपर आएगा नहीं तब तक हम गाड़ी होल्ड नहीं रखेंगे, ऐसा लफड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मेरे दोस्तों अभी ब्लॉग का हम एंड करते हैं, क्योंकि मैं भी रात भर का जगा हूँ, दिन में भी जगा, मैं थका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग का हम एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।